इन दिनों एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर और युवाओं में ओरल कैंसर का प्रमाण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में शहर के राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज हनुमान नगर के तमाम डॉक्टर कैंसर मरीजों का दिन रात इलाज करवाकर अपनी अच्छी सेवाएं कैंसर मरीजों को दे रहे हैं। मध्य भारत में कैंसर गंभीर बीमारियों में से एक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की ओर से विविध उपक्रम चलाए गए। अस्पताल की तरफ से वर्ष 2012 से 2019 के बीच पंजीकृत मरीजों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। इसमें ज्ञात हुआ कि संबंधित अवधि में 37,897 मरीज अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। इसमें से 24,681 अर्थात 65.13% गंभीर थे। कुल मरीजों में सर्वाधिक 7,197 मुख कैंसर के हैं। अध्ययन में ज्ञात हुआ कि स्तन कैंसर दूसरे नंबर पर रहा। 14.16% अर्थात 3,494 स्तन कैंसर के मरीज थे। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीव के कैंसर के 2,608, गेघा के कैंसर के 1,268, फेफड़ों के कैंसर के 1,120, अन्य कैंसर के 8,975 मरीजों ने इलाज करवाया। राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र निदेशक डॉक्टर बी के शर्मा ने बताया कि भारत में कैंसर का बोझ बढ़ रहा है। कैंसर की व्यापकता 38 लाख मामलों की है और हर साल लगभग 14.5 लाख नए मामले जुड़ते हैं, जबकि कैंसर के कारण मृत्यु लगभग 6 से 7 लाख प्रति वर्ष है। प्रथम चरण के कैंसर मरीजों का इलाज संभव है, लेकिन 33% मामले ही इस स्टेज में सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत वर्ष में सभी जो लोग जो रहते हैं काफ़ी तरोताज़ा रहते हैं और होना भी चाहिए, मगर अफसोस कि आए दिन जिस प्रकार से कैंसर का रेशो जो बढ़ रहा है वो काफ़ी चिंता की बात है। और ऐसे में शहर का राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल ये जो कामकाज कर रहा है, जो दक्षिण नागपुर में है, बेहतरीन सा कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्हें अब तक के कैंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्यों पनप रहा है और लोगों ने क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए अब हम शहर के ऐसे तज्ञ डॉक्टर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में ईएनटी के सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सप्रे साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। सप्रे साहब, ये बताएं कि जिस तरह से ये कैंसर का जो कामकाज चलता है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कैंसर सबसे ज्यादा जो आज कॉमन है वो ओरल कैविटी का कैंसर है, नाक कान घसा का कैंसर है, और इसमें सबसे ज्यादा कैंसर का जो कारण है वो तंबाकू सेवन से होता है। मैं सब यंगस्टर से अपील करूंगा कि अगर वो तंबाकू का सेवन कम कर देंगे तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आज ये कैंसर का प्रमाण सिर्फ 3% है, वो हमारे यहाँ जो 40% है उससे कम होकर 3% हो जाएगा। लेकिन सर, जहाँ कैंसर की जो बात आती है, आपने कहा कि तंबाकू जो चेविंग करते हैं या फिर जो स्मोक करते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर होता है, ऐसे में इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसके लिए जो कुछ जैसे आप शिविर चलाते हो और कौन कौन से प्रोग्राम अस्पताल के माध्यम से चलाए जाते हैं? कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने गांव में कैंप्स लेना शुरू कर दिया है। हमने प्री मैलिग्नेंट लीजन्स का डिटेक्शन करना चालू कर दिया, क्योंकि जो लोग ये तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके चेहरे में कुछ कैंसर उमटने के पहले कुछ लक्षण आते हैं, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो हमने उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग चालू कर दी है। हमारे कुछ लोग गांव में भी जाते हैं और जिसको हम हाई रिस्क पेशेंट्स कहते हैं उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जिससे वो कैंसर के पहले स्टेज में पकड़े जाए। बिल्कुल। और ऐसे कैंसर के अब तक के कई ऐसे पेशेंट हैं जो इस अस्पताल से अच्छे होके गए। जब आते थे तो रोते रोते आते थे, मगर जब जाते थे तो हंसते हंसते जाते थे। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान देने का काम ये कैंसर अस्पताल कर रहा है। और भी हमारे साथ इस समय में वंदना, डॉक्टर वंदना हमारे साथ में है जो कि ईएनटी के स्पेशलिस्ट है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, ये तरह के जो कैंसर के जो पेशेंट है उनके ऊपर में इलाज काफ़ी अच्छा होता है, मगर पैसे के अभाव में कुछ लोग आते नहीं, जबकि राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज इनकी ये संकल्पना थी कि हर तबके का गरीब मरीज का इलाज हो। आपके अस्पताल से क्या सुविधाएं दी जा रही है? सो हमारे अस्पताल में सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ये सब योजना के अंतर्गत फ्री में होता है। तो पेशेंट को जो पेशेंट पुअर है, जो नहीं ये सब पे कर सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। और ये बोल के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग पुअर पेशेंट के, गरीब पेशेंट की सेवा कर रहे हैं।
बिल्कुल, गरीबों की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म होता है, बाकी धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन गरीबों की सेवा करना जिसे मानव धर्म कहते हैं। तो ये ओरल कैंसर के बारे में हमने जानकारी, अब लेंगे कि जो गायनिक के पेशेंट होते हैं, जैसे कि गायनिक के बहुत ज़्यादा कैंसर होने आ रहा है इस महिलाओं में, और अक्सर ये देखा जाता है कि इसकी स्ट्रेन भी काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में शहर के तज्ञ भी हमारे साथ में डॉक्टर मयूर डायगवानी जी है। मयूर साहब, ये बताए कि जिस तरह से ये जो गायनिक के जो पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि वो तो टोबैको चेविंग करते नहीं, लेकिन गायनिक का कैंसर यानी होता क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? इसके सिम्टम ऐसे है कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, सफ़ेद पानी जाना, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सफ़ेद पानी जाना, पेट फूल जाना, निचले पेट में दर्द होना, ये सिम्टम्स है। और ये अगर सिम्टम्स रहे तो तुरंत नज़दीकी गायनेक डॉक्टर नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में आके इसका निदान कीजिएगा, ताकि अर्ली स्टेज में हम लोग उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकें। सर, कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको इस प्रकार के इस रोग से वे लोग पीड़ित है, मगर उनको जब आने में लेट लतीफी होती है, तो ऐसे में फर्स्ट एड करके घर में कुछ इलाज कर सकते हैं? इसमें घर में कुछ इलाज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर सरिता कोठारी मैम है, उनसे भी जानना चाहेंगे, काफ़ी तजुर्बेकार ऐसी तज्ञ मैम हमारे साथ में। मैम, ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन महिलाओं को इस तरह की जो परेशानी होती है, और सड़क के बीच में जो आयुर्वेदिक दवाएं जो बेचती है, वो कितनी कारगर साबित होती है? क्या अगर उससे अगर सब अच्छा होता है तो फिर आप लोगों की ज़रूरत क्या है? मैं कहना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक दवा मंत्र तंत्र लेके अपना कीमती समय ना गंवाइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं 85% ऑफ द टाइम्स की महिलाएं लेट आती है हमारे पास, तो जब ये मूल्यवान समय बीत जाता है, अर्ली डिटेक्शन इज बेस्ट। कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि सफ़ेद पानी जाना, महामारी के बीच में खून जाना, रजोनिवृत्ति के बाद में खून जाना, या पेट का फूलना, या पेशाब और संडास करने में कोई तकलीफ हो, इसमें से कोई भी लक्षण आप में हो, तो आप तुरंत नज़दीक के गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए या फिर हॉस्पिटल आइए, हम ज़रूर आपकी मदद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। हमारे अस्पताल में लगभग साल में 500 नए केसेस हम पाते हैं, पर इसकी पूरी रोकथाम करना ज़रूरी है, पॉसिबल है। उसके लिए HPV का वैक्सीन आता है और वो हम काफ़ी रेगुलरली हॉस्पिटल में लगाते हैं। मैम, कुछ दिन के बाद में ऐसी भी एक बात चली कि जो गर्भाशय निकाला जाता है, उसके बाद महिलाओं को काफ़ी पीड़ा होती है, जैसे कि उसका पीठ का दर्द हो, हाथ पांव में जो थकान महसूस करती है, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। गर्भाशय निकालने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप डरिए मत, अस्पताल में आइए, आपके लिए आपकी सेहत के लिए जो ज़रूरी होगा वही यहाँ किया जाएगा। बिल्कुल, अज्ञानता को दूर करते हुए डॉक्टर सरिता कोठारी मैम ने काफ़ी चीज़ जानकारी दी। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, फिर से हम उस कैंसर ओरल कैंसर की ओर आते हैं, जब पेशेंट ने ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको कैंसर ही नहीं होना चाहिए, क्या तंबाकू खाने से या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, कि इसके अलावा भी ऐसे ही कैंसर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। हमारे यहाँ पे पिछले 5 सालों से लगभग 35,000 कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, और बहुत सारे पेशेंट हमसे आके अलग अलग सवाल पूछते हैं, उसमें से एक यह है कि कैंसर किससे होता है। तो तंबाकू एवं तंबाकूजन्य पदार्थ, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो छोड़ के जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता और बैड ओरल हाइजीन यानी मुंह की साफ सफाई नहीं रखना, मुंह साफ नहीं करना, अलग अलग वायरस इन्फेक्शन, इन सबसे भी मुँह का कैंसर होता है। बट इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल वो पूछते हैं कि इलाज लेके कोई फायदा है क्या, यानी बहुत सारे रुग्ण या उनके नातेवाईकों को, रिलेटिव्स को ये लगता है कि कैंसर का इलाज आज भी भारत में संभव नहीं है। तो ये जो है, ये मिथ है यानी अफवाह है। आज जो तकनीक जो बढ़ी है 2020 में, उससे कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है, और अगर प्राथमिक स्टेज में उसका इलाज मिलता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे साल जी सकते हैं। और आज से 20 साल पहले का ट्रीटमेंट और आज के ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है, आपका चेहरा पहले जैसे फिर से बन सकता है, जो कि लोगों में
एक भय बना रहता है कि मेरा चेहरा फिर से पहले जैसे दिखेगा कि नहीं, यानी ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट के बाद। ये तो आपने अच्छी जानकारी दी, लेकिन सर मेरा एक सवाल ये था कि अक्सर टीवी पे जो विज्ञापन चलते हैं या अखबार की जो सुर्खियां होती है, उसमें एक विज्ञापन रहता है कि यदि आपके दांतों को मजबूत, मसूड़ों को मजबूत करना है तो मार्केटिंग ऐसी इस प्रकार की हो रही है कि अलग अलग पेस्ट आ रहे हैं, क्या ऐसे भी कुछ पेस्ट से कैंसर हो सकता है? ये चीज हम पूरी तरह से टाल नहीं सकते कि किसी पेस्ट से कैंसर हो सकता है कि नहीं, बट जो अगर आप अब देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के जो रहते हैं वो मान्यता प्राप्त ही रहते हैं, ISI या अलग अलग मान्यताओं लेके ही वो मार्केट में आते हैं, बट जो भी इन मान्यताओं से परे है, जो गांव में यूज करते हैं या फिर कुछ बाबा लोग देते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आप इन चीजों से बच सकते हो। तो दर्शकों, हमने देखा कि दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र संत तुकड़ीजी महाराज कैंसर अस्पताल की ये तमाम तज्ञ की टीम ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, बखूबी के साथ किया है, और इस अस्पताल में मात्र नागपुर से नहीं, राज्यों से नहीं, देश से नहीं, तो बल्कि देश विदेश से भी लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। जब वे आते हैं रोते हुए आते हैं, अपने दर्द को लेकर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो दुआओं के साथ, कहने का मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान सी होती है, और यही काम लगातार ये डॉक्टर की टीम कर रही है, और इन्हीं डॉक्टर के वजह से कई लोगों को जीवन दान भी मिला है। और इन्होंने फिर से आह्वान किया कि यदि कोई स्मोकिंग करता हो या चेविंग करता हो टोबैको तो नहीं करना चाहिए, कैंसर कैसे पनपता है, क्यों होता है, इसके बारे में इन्होंने पल पल की जानकारी दी। इनके एक स्टूडियो में हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसके चलते आपको और भी अधिक सटीक जानकारी मिल सकती है। यदि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो या आपके कोई रिश्तेदार, कोई मित्र मंडली में कोई हो, तो यकीनन आप यहां आके कम पैसे में उसका इलाज करवा सकते हो, बशर्ते आपको आना होगा। और राष्ट्र संत तुकड़ी महाराज ने जो कहा है कि हर घर के लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो ऐसे रोगों से प्रभावित है, यहाँ आने के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान आएंगी और कैंसर दूर होगा, इसमें कोई भी कतई संदेह नहीं है। राष्ट्र संत तुकड़ी महाराज कैंसर अस्पताल से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।